नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल पांडे। इन दिनों टैक्स चोरी से लेकर काले धन पर आयकर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। आए दिन आपको आईटी रेड की खबरें सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन हाल ही में आयकर विभाग ने एक ऐसी जगह छापा मारा है जिसके बाद रेड करने वाले टीम के अफसर भी दंग रह गए हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक खुली अलमारी में नोटों की गड्डियां भरी हुई दिखाई दे रही हैं। नोटों के इन गड्डियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रकम कितनी बड़ी होगी। हैदराबाद स्थित हेट्रो फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 142 करोड़ रुपए कैश सीज किया है। इतनी बड़ी तादाद में कैश मिलने पर आयकर विभाग के अफसर भी दंग रह गए। आइए जानते हैं हेट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, साथ ही जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। इनकम टैक्स विभाग ने हेट्रो फार्मास्यूटिकल ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारने की कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन इस दौरान जो हुआ उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। अधिकारी इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान थे। हेट्रो फार्मास्यूटिकल ग्रुप नाम की कंपनी विदेशों में ज्यादातर उत्पादों का निर्यात करती है, मतलब यूएस, यूरोप, दुबई और अन्य अफ्रीकी देशों में इसका काम है। विभाग ने नकदी को जब्त कर लिया है, साथ ही डिजिटल उपकरण, पेन ड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में कई तरह के सबूतों को भी अपने अधिकार में लिया है। रेड के दौरान फर्जी और गैर मौजूद कंपनी से कई खरीदारी का भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर रेड की अभी फोटो तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में 550 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता चला है। हैरानी की बात यह है कि 142 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कैश मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में अलमारियों में भारी मात्रा में कैश भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीडीटी ने कहा है कि हेट्रो ग्रुप फार्मास्यूटिकल उत्पादों के प्रोडक्शन, फार्मुलेशन के निर्माण आदि के कारोबार में लगा हुआ है। इसके अधिकांश उत्पादों को अमेरिका और दुबई जैसे देशों और कुछ अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।